अनिल जी, जो दूसरा पीएसयू स्टॉक है खरीदारी करने की सलाह है वो है रेलटेल कॉरपोरेशन, जो अभी 400 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 425 के शॉर्ट टर्म टारगेट है और स्टॉप लॉस रखना है 390 रुपए का। ये भी एक बहुत ही दमदार क्वालिटी की कंपनी है। ये इंडियन रेलवे के लिए ट्रेन कंट्रोल ऑपरेशन और सेफ्टी सिस्टम को मॉडर्नाइज करने के लिए जो ब्रॉडबैंड और वीपीएन सर्विसेज रिक्वायर्ड होती है वो प्रोवाइड करती है। तो इस तरह की कंपनी है और इनके पास एक 61,000 किलोमीटर से ज्यादा का हाई कैपेसिटी ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क है, विच कवर्स मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट टाउन्स एंड सिटीज ऑफ इंडिया। मतलब 70% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन को कवर करने वाला इनके पास ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क है। कंपनी के पास ऑर्डर बुक है अराउंड 5,000 करोड़ की और कवच के सेगमेंट में भी कंपनी काम कर रही है। कवच यानी कि जो ट्रेन सेफ्टी सिस्टम है, और इसके लिए इन्होंने एक क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक्नोलॉजी एक कंपनी के साथ करार किया जो कि ऑलरेडी अप्रूव्ड है बाय रेलवेज फॉर कवच। तो उसके साथ जो करार किया वहां से भी कुछ 5,000 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिलने की उम्मीद है। बाकी ये भी अपने इसके हाई से 617 रुपए के वहां से करेक्ट होके इन लेवल्स पे है। यहाँ पे वैल्यूएशन अच्छे लग रहे हैं। फिर एक जीरो डेट कंपनी है, अच्छी दर से कंपनी ग्रो कर रही है और रेलवे के भी जो कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं, जैसे मैंने पिछले वीक टेक्समेको रेल को इन एंटीसिपेशन ऑफ गुड रिजल्ट रिकमेंड किया था, बहुत अच्छे नतीजे हैं। हालांकि वो वैगन वाली कंपनी है बट मुझे लगता है इसके भी नतीजे अच्छे रहने चाहिए इस तिमाही के। तो खरीदारी करनी चाहिए रेलटेल कॉर्पोरेशन में फॉर टारगेट ऑफ 425, स्टॉप लॉस ऑफ 390। ओके,